इस कार ने तो रोल्स रॉयस को भी फेल कर दिया। बेसिकली चाइना में कार्स के बीच एक टेस्ट कराया गया। सबसे पहले 55 लाख की कार लिक्सियांग एनलो के बोनेट पर इस ग्लास टावर को रखकर जब इसे ब्रेकर पर चलाया गया तो ये फेल हो गई। इसके बाद 3 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक के ऊपर जब इस टेस्ट को कराया गया तो ये मर्सिडीज मेबैक भी इस टेस्ट में फेल हो गई। लेकिन 1 करोड़ में आने वाली न्यू ET9 ने इस टेस्ट को इजीली पास कर लिया, क्योंकि न्यू ET9 रोल्स रॉयस कार से भी ज्यादा कंफर्टेबल और स्टेबल होती है।